जनपद पीलीभीत में गौशालाओं की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। सरकार द्वारा खर्च किए गए करोड़ों रुपए से गौशालाओं का निर्माण कराया, लेकिन उसमें देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। ब्लॉक ललौरी खेड़ा क्षेत्र के ग्राम नूरपुर में गौशाला में कुछ गायों की हालत काफी बदतर है। कई चोटिल है, किसी की पूछ कटी हुई है। खाने को हरा चारा तो बिल्कुल नहीं है, बाकी सूखा भूसा ही खिलाया जाता है। सैकड़ों की संख्या में गाय व सांड इस गौशाला में है। गौशाला में कोई भी नहीं था और गाय डॉक्टर के कमरे में घुसकर कॉटन की पट्टियां खाकर प्लास्टिक के कट्टे खा रही और वहां पर रखे खाली इंजेक्शनों व औजारों व बैटरों को भी अपना मुंह लगा रही थी। जबकि डॉक्टर के कमरे में सभी चीजें हैं। भूखी गायों को कुछ भी मिले, वह बेजुबान जानवर है, उन्हें क्या मालूम कि ये चीज हमें नुकसान देगी और या फायदा। और दोपहर में भीषण गर्मी में भी बेजुबान जानवर बाहर बड़ी तेज धूप में घूम रहे थे। गौशाला के डॉक्टर फोन उठाते ही नहीं है। गौशाला के बारे में इसकी जानकारी जब मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से ली गई, तब उन्होंने कहा कि इस बारे में वीडियो साहब से बात करो, सब गोलमाल सभी की मिलीभगत से हो रहा है। गौशाला में जानवरों की हालत बदतर है, इसीलिए वहां पर मौजूद ग्राम प्रधान के लोग किसी भी मीडिया कर्मी तक को गौशाला के आसपास तक नहीं जाने देते। बहुत कुछ गौशाला के अंदर छिपाया जा रहा है। पीलीभीत से ब्यूरो जाहिद की रिपोर्ट।